पर इस समय आप जो ये रोशनी देख रहे हैं, ये ना तो राजस्थान के विधानसभा की है, न ही कोई कलेक्ट्रेट ऑफिस की, न ही राजस्थान के हाईकोर्ट की है, और न ही किसी तरह से किसी मंडप की है। आपको ये हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, ये पंचायत समिति बावड़ी के मिनी सचिवालय का है, जिसका कल सुबह भव्य लोकार्पण होना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये रोशनी से दुल्हन की तरह सजा हुआ मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत सेव की कला का है। दोस्तों, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको इस पूरी पंचायत का, इस पूरे मिनी सचिवालय का ये पूरा आपको व्यू दिखाए, दृश्य दिखाए। दोस्तों, ये मिनी सचिवालय का मुख्य द्वार है, जहां से आप देख सकते हैं कार्यालय ग्राम पंचायत सेव की कला मिनी सचिवालय। हम आपको एंगल व्यू के अकॉर्डिंग्स आपको दिखाते हैं पंचायत का पूरा दृश्य। ये दुल्हन की तरह सजा हुआ आप देख रहे हैं, रोशनी से नहाया हुआ ये पंचायत भवन का मिनी सचिवालय परिसर। ये रंग बिरंगी रोशनी के अंदर आपको दिख रहा है जोधपुर ग्रामीण जिले का पंचायत समिति बावड़ी का सेव की कला के अंदर स्थित मिनी सचिवालय, जिसका भव्य लोकार्पण कल सुबह होने जा रहा है, जिसको लेकर गांव वालों में खुशी की लहर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। दोस्तों, आइए हम आपको प्रवेश कर रहे हैं मिनी सचिवालय के अंदर। ये मिनी सचिवालय का मेन दरवाजा है, इससे जब आप प्रवेश करेंगे, सामने शिलालेख पट्टिका तैयार है, जिसका कल सुबह लोकार्पण किया जाएगा। अब हम आपको इस तरह से जो है दृश्य दिखा देते, सामने मीटिंग हॉल है। अब आगे की तरफ जब आप चलेंगे तो आपके सामने विकास अधिकारी कक्ष आपको दिख जाएगा, जहाँ पर विकास अधिकारी जी बैठते हैं और जनता की फरियाद को सुनते हैं। ये मिनी सचिवालय के मुख्य सचिव कह सकते हैं आप ग्राम विकास अधिकारी को, जो यहाँ बैठकर ग्रामीणों की आवाज़ को सुनते हैं, यहाँ जो आता है उनके त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। यहाँ ये ग्राम पंचायत के अंदर आने वाले नागरिकों की सुविधार्थ सेवार्थ के लिए शौचालय बनाए गए हैं। अब मीटिंग हॉल का भी दृश्य आपको दिखा देते हैं। आप देखेंगे ये मीटिंग हॉल है, जो आम ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए सभी तरह से तैयार किया हुआ है। अच्छे से आप देख सकते हैं इसके चारों ओर का दृश्य, ये ग्राम पंचायत के मीटिंग का हॉल है जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। यहीं इसी तरह से आप स्टोर रूम वगैरह भी देख सकते हैं, इसके अंदर स्टोर रूम रखा है, जिसके अंदर ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी सामान है उन्हें रखा जा सकता है। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और अन्य कक्ष भी आपको दिखा देते हैं। आप देखेंगे इस तरफ ये रूम जो सरपंच कक्ष हैं, जहाँ पर इस ग्राम पंचायत के सरपंच जो हैं गणपत राम जी बैठे हैं, और यहाँ पर ये ग्रामीणों की आम और आवाज़ की आवाज़ सुनते हैं। ये सिंपल और सादगी के सरपंच, ऐसे कहें कि जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, जो इस पंचायत को सींचने के लिए, इस भव्य बिल्डिंग के लिए एक विशेष तौर से कार्यकर्ता की भांति इन्होंने काम किया है। आइए आपको आगे का कक्ष भी दिखा देते हैं, यहाँ पटवारी बैठते हैं, जहाँ लोगों के काम सुनते हैं। ये पटवारी कक्ष हैं, जहाँ पटवारी जी का नाम प्लेट के साथ नंबर भी लिखे हुए हैं, ताकि कोई यहाँ पर याद आए और यहाँ पटवारी जी को कॉल कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि पटवारी जी का लैपटॉप और बैग्स वगैरह यहीं हैं, वो पटवारी जी भी यहीं कहीं शायद बाहर गए हुए हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि यहाँ के पटवारी बहुत सहज और सुलभ तरीके से ग्रामीणों को उपलब्ध हो जाते हैं। आइए हम आपको अब इस मिनी सचिवालय के कक्ष से बाहर लिए चल रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे जो टीम देख रहे हैं, ये मिनी सचिवालय पंचायत समिति बावड़ी के सेव की कला का है, जहां पर ये सब लोग सुबह से, अब रात हो गई है, लेकिन इस पंचायत को सजाने के लिए कल के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सभी अनवरत प्रयासरत हैं। दोस्तों, हमारे साथ युवा सरपंच कह सकते हैं आप, कर्मठ सरपंच कह सकते हैं, जिनके अनवरत प्रयास से इनके कार्यकाल में पंचायत समिति का लोकार्पण कल होने जा रहा है। हालांकि इनकी उदारता, सहनशीलता, या फिर ऐसे कहें कि सिंप्लिसिटी जो है, वो पहले भी देखने को मिली हम लोगों को। हमने आपको मार्च के अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था कि पंचायत समिति का एक ऐसा ग्राम पंचायत
जहां पर बिना भवन लोकार्पित किए हुए भी सभी स्टाफ वहां निरंतर चाहे संडे हो शनिवार हो मंगलवार हो छुट्टी के दिन भी उपलब्ध रहता है। हमारे साथ सरपंच साहब गणपत राम जी हैं। गणपत राम जी, पहले तो आपकी पंचायत के उद्घाटन के लिए सबसे पहले आपको बधाई कि आपकी पंचायत मिनी सचिवालय आम लोगों के लिए कल से खुल जाएगा, विधिवत रूप से खुल जाएगा, हालांकि आप पहले से भी इसमें कार्यरत थे। दर्शकों को बताएं कि कल का कार्यक्रम क्या रहेगा और किस तरह से आपने अनवरत प्रयास करके इस भव्य और दिव्य जो मिनी ऑडिटोरियम है या फिर इस मिनी सचिवालय का लोकार्पण करवाने जा रहे हैं। कल हम 5 दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, सभी को कार्ड वितरण कर दिए गए हैं और हमारे ग्राम पंचायत के सभी वार्ड मेंबर और ग्रामवासी यहाँ बिल्कुल उद्घाटन में सभी एकजुट होकर आज रात को पूरा इसको सजाएंगे पंचायत को और सुबह का नाश्ता खाना भी सुबह आएंगे रखा गया। आपके पीछे मेरे को एक कार्यकर्ताओं की टीम दिख रही है। कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम के सफल अंजाम के लिए उसकी टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, बिना टीम वर्क कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपके कार्यकर्ताओं ग्राम विकास अधिकारी जी भी आपके साथ हैं, पटवारी जी भी आपके साथ हैं, किस तरह से कहेंगे आप? हम तो सुबह फान कर दिया मैं तो कोई पंचायत का काम है आपको आना पड़ेगा, तो हमारे गाँव के सभी नए और दोस्त हैं उससे भी आगे हैं, काम चल रहा है बिल्कुल। हमारे साथ ग्राम विकास अधिकारी जी भी हैं, जिनसे भी कहूंगा कि वो कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे। ग्राम विकास अधिकारी जी छोड़ा गया, तो किस तरह से इन सभी कार्यकर्ताओं को जो है अप्रिशिएट करेंगे कि एक नेटवर्क्स और एक टीम के बिना कोई भी कार्यक्रम सफलता के लिए नहीं जा सकता, एक अंजाम जो अच्छा होना चाहिए वो बिना टीम हो नहीं सकता, क्या कहेंगे? यहाँ ग्राम पंचायत में पूरी युवा टीम है वो पूरी लगी रहती है और पिछले 4 साल के कार्यकाल में बिल्कुल बराबर सहयोग कर रही है और ग्रामवासियों का भी अच्छा सहयोग रहा है और लगातार करते आ रहे हैं। किसी भी समस्या कोई भी समस्या आए तो पूरी की पूरी टीम खड़ी रहती है। यहाँ दोस्तों ये हमारे साथ थे यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी गणपत जी, जो युवाओं को विशेष तौर से धन्यवाद कह रहे थे कि कल के कार्यक्रम के लिए युवाओं ने, उनकी टीम ने, वार्ड पंचों ने और यहाँ के जनप्रतिनिधि और जितने भी सोशल एक्टिवेटर्स हैं उनने बहुत अच्छा प्रयास किया और कल इसका भव्य लोकार्पण होगा। प्रेमाराम परियार, PRP न्यूज़, बावड़ी।